और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेजर रजिस्टर स्टार्ट करेंगे। लेजर रजिस्टर के अंदर आज हम कैश बुक का काम करेंगे, तो सभी स्टूडेंट अपनी कैश बुक और लेजर रजिस्टर दोनों साथ लेकर बैठेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने हमारा रजिस्टर भी ले लिया और हम अपनी कैश बुक भी लेके बैठेंगे। तो हमने देखो दोनों रजिस्टर अपने साथ ले लिए, कैश बुक और कौन सा लेजर बुक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी स्टूडेंट लेजर रजिस्टर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बनाएगा। उसका रीजन बताऊंगी क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने कैश बुक ही लगा रखी है। जो बुक हम लगा देते हैं उसका अकाउंट हमें नहीं बनाना पड़ता। अगर आप परचेज की बुक लगाओगे, परचेज की बुक भी आती है, सेल की बुक भी आती है, अगर आपने ये दो बुक्स लगा रखी है तो आप इनके अकाउंट भी मेंटेन नहीं करोगे। जो भी आप बुक लगाते हो उसका अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास स्पेशली उसकी बुक होती है तो हम वहीं से अपना बैलेंस निकाल लेते हैं। देखो आपने कल देखा भी होगा कि हमने कैश बुक के अंदर जैसे कैश अकाउंट के अंदर बैलेंस निकालते हैं सेम तरीके से निकाला था। तो आप अब देखोगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कैश अकाउंट दिया हुआ है। ये हमारा कैश अकाउंट है। तो हमारे पास कैश अकाउंट पहले से ही कैश बुक के अंदर बनाया हुआ है, कैश बुक। तो अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि हमने कैश बुक की हुई है। जब हम एंट्री से एंट्री करते थे, मतलब कि लेजर्स में चढ़ाते थे, दो तरफ चढ़ाते थे, एक टू की तरफ एक बाई की तरफ। जैसे हम सपोज करते हैं हमारे पास एंट्री है रेंट की 30 तारीख की, तो एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही थी ना 30 तारीख की। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या एंट्री लिखते थे, रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 रुपए से। टू के अंदर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट कितने से, 4000 रुपए से। तो हम लेजर के अंदर कैसे काम करते थे, एक रेंट का लेजर बनाते थे और एक कैश का लेजर बनाते थे। तो रेंट के अंदर कैश लिख देते थे और कैश के अकाउंट के अंदर रेंट लिख देते थे, अपोजिट लिखते थे। तो वही सेम है कि कैश का अकाउंट जो है वो हमारा बना हुआ है। तो देखो इसके अंदर कैश के अंदर कैश नहीं लिख सकते थे, तो हमने क्या लिखा था, बाय रेंट अकाउंट लिखा था। तो हमारे पास देखो, आपके पास नीचे बाय रेंट अकाउंट बना हुआ मिलेगा 30 तारीख का, ये रहा हमारा रेंट अकाउंट। अब क्या हुआ कि हमने कैश की अपनी एंट्रीज ही नहीं की, क्योंकि हमने सीधा कैश बुक के अंदर काम कर लिया था। तो अब हम सीखेंगे कि कैश बुक से लेजर में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो हम कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैश के अंदर काम किया हुआ है, तो अब हमें कैश के अंदर तो काम करना ही नहीं है। तो हमने कैश के अंदर जो एंट्रीज कर रखी हैं सिर्फ उनको देखना है, जैसे कैपिटल है, फर्नीचर है, परचेज है, इन एंट्रीज को देखना है। तो अब कैपिटल का लेजर बनेगा, तो कैपिटल के अंदर कैपिटल नहीं लिख सकते, तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम देखें तो कैपिटल में कैपिटल नहीं लिख सकते, तो बचा क्या था हमारे पास, कैश। तो भाई इसके अंदर है कैपिटल, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम ऊपर देखेंगे कि हमारा बुक कौन सी है, कैश की बुक है, तो बचा क्या, कैश। तो कैपिटल के अंदर हम एंट्री किसकी करेंगे, कैश की करेंगे। तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो हमने एंट्री स्टार्ट की,
तो हमने लेजर्स, चार पांच लेजर्स बनाए हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स पेंसिल से काम करेंगे और एक पेज पे एक ही लेजर बनाएंगे, ठीक है, एक पेज पे एक ही लेजर का नाम लिखेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लिया है, तो 1 अप्रैल की एंट्री थी, देखो कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को 2 लाख से, मतलब कि बिजनेस शुरू किया था कितने से, 2 लाख से, तो हमने एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कैपिटल के ऊपर लिखा हुआ है तो बचा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कि डेबिट मतलब कि बाय। अब जो बाय होता है वो कौन सी तरफ आता है, इस तरफ आता है, ठीक है, तो बाय कैश अकाउंट, और इसके अंदर हम नरेशन नहीं लिखेंगे, कैश बुक के अंदर नरेशन लिखेंगे, तो हमने कितने से, 2 लाख से, समझ आ गया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एंट्री कौन सी की हुई है हमारी, फर्नीचर की। अब फर्नीचर देखेंगे, देखो मैंने 1 तारीख के बाद रिसिप्ट साइड से पेमेंट साइड में कैसे आई मैं, क्योंकि उसके बाद 15 तारीख की एंट्री दी हुई थी, तो हमने यहाँ से 3 तारीख की एंट्री देखी पेमेंट साइड में, तो हम सीरीज वाइज एंट्री कर रहे हैं, इसलिए मैंने 3 तारीख की एंट्री कर ली। तो 3 तारीख की एंट्री क्या बनती है, देखो फर्नीचर खरीदा था 20,000 रुपए का, तो हमारी एंट्री बन रही थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमने फर्नीचर को क्या करा, डेबिट कर दिया और टू कैश कर दिया। अब फर्नीचर का लेजर बनाना है क्योंकि कैश में काम हो चुका है, तो फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, देखो फर्नीचर बाय की तरफ लिखा हुआ है तो कैश में वैसे भी 2 आ रहा है, तो वो कौन सी तरफ जाएगा, 2 की साइड में जाएगा, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बनाया। हाँ एक बात और भूल गए हम, हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के सामने 1 लिख दिया, क्यों लिखा वो भी बताएंगे हम, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो लेजर है ये फर्स्ट पेज पे बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने जनरल फोलियो और लेजर फोलियो का भी काम करना है, तो आप देखोगे जो हमारा लेजर है ये पेज नंबर 1 पर है, तो हम आज इनका यूज करना भी सीखेंगे, तो हम देखेंगे जो कैश बुक है वो कहाँ पे काम किया हुआ है हमारा, तो हमारा कैश बुक की हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं वो देखेंगे फर्स्ट पेज पर, देखो फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, जब हम नीचे वाले पेज पे आएंगे मतलब कि जो नीचे की एंट्रीज करेंगे ये वाले पेज की, वो कहाँ की करेंगे हम, सेकंड पेज की, ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पेज पर हैं, तो हम फर्स्ट पेज से एंट्री कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी फर्स्ट पेज पर है, तो जहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ था वहां पे भी 1 लिख देंगे ताकि हमें ढूंढने में मुश्किल ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड एंट्री पे फर्नीचर की, ये भी फर्स्ट पेज की ही एंट्री है हमारी, तो आप देखोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड है पर दोनों आप अपनी नोटबुक खोलोगे, बुक खोलोगे कैश की, तो दोनों तरफ का 1 पेज ही माना जाएगा, तो हमने फर्नीचर का लेजर बनाया, तो फर्नीचर कौन से पेज पे है, फर्स्ट पेज पर ही है, तो हमने यहाँ पे भी 1 डाल दिया। अब फर्नीचर के अंदर क्या एंट्री होगी, 3 तारीख की एंट्री थी टू कैश, क्योंकि पैसे दे के आ रहे हैं हम, 3-4 की एंट्री है टू कैश अकाउंट, पैसे चले गए कितने से, 20,000 रुपए से, ठीक है। अब वो कौन से पेज पे एंट्री है वो देखेंगे, फर्नीचर की भी फर्स्ट पेज पे है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, ठीक है, फर्नीचर के सामने भी 1 लिखा हुआ है, तो जहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ था उधर भी 1 लिख देंगे। इसका यूज बताऊंगी कैसे होगा, जब हम टैली के अंदर काम करेंगे तब होगा, या फिर जब हम ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे और वो हमारा मैच नहीं होगा तब भी इसका यूज होगा। तो उसके बाद आते हैं हम फर्नीचर के बाद, 15 तारीख की एंट्री है पर यहाँ पे 5 तारीख की भी एंट्री है, तो हम 5 तारीख की एंट्री पर आए, तो आप देखोगे 5 तारीख की एंट्री में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय परचेज अकाउंट, तो बाय परचेज अकाउंट है, कैश के अंदर एंट्री क्या बनी थी, इसका मतलब हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के अंदर हम बाय परचेज लिख चुके हैं,
तो आप परचेज के अंदर जाएंगे, 50,000 से एंट्री है हमारी 5 तारीख की। तो हमने परचेज का लेजर बनाया, तो परचेज का लेजर कौन से पेज नंबर पे है, 2 पर, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमने यहाँ पे 5 तारीख को क्या लिख दिया, 2 कैश अकाउंट। कितने से, 50,000 रुपए से, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर 5 तारीख के बाद 15 तारीख की एंट्री। 15 तारीख को देखो क्या कहेगा, यहाँ पे सेल है, इसका मतलब एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो अब हम देखेंगे सेल कौन से पेज पे है, तभी नंबर चढ़ाएंगे। जब देख आते एक बार ही सेल कौन से पेज नंबर पे बना हुआ है हमारा लेजर, वो हमारा 3rd नंबर पर है, तो हमने यहाँ पे 3 डाला, तो वहां पे भी 3 आ जाएगा सेल के सामने, ठीक है। यहाँ पे तो 1 ही चल रहा है हमारा, तो सेल के लेजर में क्या लिखेंगे, कैश बुक में काम कर रहे हैं, तो सेल चढ़ा हुआ है, तो बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपए से। 15 तारीख की एंट्री है, तो यहाँ पे 15,4 लिखा हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कितने से, 50,000 रुपए से। वैसे हम दोनों रजिस्टर्स को साथ लेके चलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आज हम 1 रजिस्टर ही करेंगे। जब कैश कंप्लीट हो जाएगा बुक, तभी हम जनरल बुक स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आती है हमारे पास 20 तारीख की एंट्री। तो 20 तारीख को एंट्री क्या बन रही थी हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम ड्रॉइंग्स पर आते हैं, तो ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है कैश के अंदर, मतलब कि कैश का लेजर नहीं बनाना, तो अब क्या बनाएंगे, ड्रॉइंग का लेजर। 20 तारीख की एंट्री है और 10,000 रुपए से, तो हम ड्रॉइंग का लेजर बनाते हैं, देखते हैं अगर बना हुआ है तो, बना हुआ है तो पहले पेज नंबर काउंट करके आने पड़ेंगे कि कौन से पेज, 3 पेज नंबर था हमारा, ये भी 3 पे बना हुआ है, और मतलब कि ये 5 पेज नंबर हो गया हमारा, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो सबसे पहले हम वहां पे काम खत्म कराते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। कितने से, 10,000 से एंट्री है 20 तारीख की। तो एंट्री क्या बन रही थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डेट डाली 20 तारीख की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। सबके अंदर कैश इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कैश बुक से काम कर रहे हैं 10,000 से। वहां पे कौन से पेज नंबर पे काम हो रहा था, अभी भी फर्स्ट पेज पर, तो फर्स्ट डाल दिया हमने, ऑल्ट प्लस टैप किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 25 तारीख से आए हम, यहाँ पे हमने देखा टू सेल है 12,000 रुपए से कैश की, एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, टू सेल, मतलब कि सेल का, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि रजिस्टर हमारा जो अकाउंट है वो कौन से पेज पे बना हुआ है। सेल का जो अकाउंट है हमारा शायद 3 पे बना हुआ था, तो दोबारा से नहीं बनाएंगे, जो एक बार बन गया, तो वहां पर 3 लिख दिया हमने, 3। तो यहाँ पे तो 1 में ही है, 12,000 रुपए से है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25 तारीख की एंट्री है हमारी, 25,000, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितने से, 12,000 रुपए से। उसके बाद आती है हमारे पास पेज नंबर 1 था इसमें भी, और इसके अंदर भी पेज नंबर 1 है हमारा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट पेज का ही काम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास 30 तारीख की एंट्री बाय रेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम रेंट का अमाउंट बनाएंगे, देखते हैं बना हुआ या नहीं। नहीं बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे रेंट का अकाउंट बनाया, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम इसमें नाम लिख देते हैं, रेंट अकाउंट। तो हमने यहाँ पे लिखा रेंट अकाउंट, कौन सा पेज नंबर चल रहा है, 5, तो इधर भी हमने 5 लिख दिया, ठीक है।
ठीक है। अब एंट्री क्या थी, रेंट के अंदर सबसे पहले 5 लिखाएंगे क्योंकि हम 5 पेज पे ही काम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम रेंट के अंदर जाएंगे। एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 30 तारीख की एंट्री थी हमारी, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम टू कैश। कितने से कितना रेंट था, 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम एक एंट्री और कर लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। उसके बाद है हमारी 30 तारीख की ही एंट्री है सैलरी की, तो हमने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे सैलरी की 4000 रुपए से एंट्री है। तो सबसे पहले हम सैलरी का लेजर बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे सैलरी का लेजर बनाया, सैलरी अकाउंट है हमारा, कौन से पेज नंबर पे है, आई थिंक 6 पेज नंबर पे बन रहा है, तो हम यहाँ पे सिक्स पेज नंबर पे है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे इसके अंदर, सैलरी अकाउंट है 30 तारीख की, तो 30 4 यहाँ पर टू कैश अकाउंट, कौन से पेज पे काम हो रहा था, वहां पे 1 पेज पर ही, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, कितने से 4000 रुपए से, ठीक है। और वहां पे क्या लिख देंगे हम, पेज नंबर 6 पे है तो सैलरी के सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, ठीक है। ये थी आज की एंट्रीज की, जो रह गई है वो कल करेंगे हम एंट्री पूरी, ताकि कल हम कैश बुक पूरी कर देंगे, ठीक है। आज किसी भी स्टूडेंट को आप कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।